खबर हनुमानगढ़ से है, जहां घर घर में बढ़ रही पानी की आवक पर जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से सतर्क रहने, बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखकर सावधानी बरतने तथा व्यवस्था को बनाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। जिला कलेक्टर रुक्मणी रिया शनिवार को घर के बहाव क्षेत्र पीरका मड़िया पन्ने वाली शोरेंका साइफन 629 हेड की व्यवस्थाएं देखने पहुंची। जिला कलेक्टर के साथ ही एसपी सुधीर चौधरी ने तटबंधों की स्थिति का जायजा लिया तथा नियुक्त अधिकारियों से संसाधनों के बारे में पूछा। पन्नीवाली में एक अतिरिक्त मशीन की आवश्यकता को महसूस करते हुए तुरंत जिला कलेक्टर ने एक अतिरिक्त मशीन की व्यवस्था की। जिला कलेक्टर ने घबराने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिस तरह से उत्तरी भारत में बाढ़ की परिस्थिति है, उसके अनुसार निचले क्षेत्रों में गांव में पानी का बहाव बढ़ने की संभावना है। धीरे धीरे जलस्तर, मेरी ड्यूटी जो लगाई गई है पीर कामड़िया के पास लगाई गई है गगर फ्लड एरिया में, और इसकी पूर्ण तैयारियाँ कर रखी है यहाँ के सरपंच साहब ने, ग्रामीणों ने, और यहाँ के जो तटबंध है उनको मजबूत किया जा रहा है और मिट्टी के बैग्स भर के लगवाए जा रहे हैं, और ग्रामीण जन खुद जो तटबंध है उनकी सुरक्षा को देखते हुए गश्त कर रहे हैं, और इमरजेंसी के अंदर हमें इवैक्यूएशन अगर करना पड़ा तो उसके लिए भी बिल्कुल तैयारी है हमारी, और फिलहाल स्थिति कंट्रोल में। अभी कलेक्टर मैडम आए हैं, उन्होंने लोगों को यही निर्देशित किया है और अपील की है कि भी आप इस संकट को मामूली संकट नहीं समझें और बिल्कुल हर स्थिति के लिए तैयार रहें। पहली कोशिश तो है कि हमारे तटबंध मजबूत रहे, इवन कोई ब्रीच होता है तो उसमें अगर गांव को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े तो हमारी बसें खड़ी हैं, और उसके अलावा रिश्तेदारों को पास जाने के लिए भी अपील की है, और बूढ़े बुजुर्ग बीमार लोगों को है उनको सही सुरक्षित जगह जाने के लिए कलेक्टर मैडम ने अपील की है, और पूरा प्रशासनिक अमला, सरपंच साहब की टीम और समस्त ग्रामीण जन इसमें लगे हुए हैं, और हम डटकर जो आने वाला संकट है उसका मुकाबला करें। ट्यूबवेलों को लेकर भी कहा गया कि पानी चला के सिंचाई की जा रही है, तो उसको क्या बंद करने के लिए था? नहीं, ट्यूबवेल के लिए मैडम ने यही है कि भी अभी लाइट कट हो गई थी रात, तो यहाँ पूरी राइस बेल्ट है सारा ट्यूबवेलों से सिंचित है, तो कट करने के लिए मना नहीं कहा है, तो अभी जो लाइट है वापस छोड़ दी गई है और लाइट रेगुलर रहेगी, यही कहा है।